नमस्कार, और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के घटनाक्रम पर लगातार हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, और उसमें आज हरियाणा विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला आज अपने निवास स्थान पर एक पत्रकारिता सम्मेलन का आयोजन करके स्पष्ट रूप से कहा कि इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हैं तथा उनके पास पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने की क्षमता है और पूर्ण अधिकार भी है। इनसो को भंग करने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इनसो इनेलो का स्टूडेंट विंग है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह इनेलो से अलग है तो वह पूरी तरह से गलत है। उसे भंग करने का अधिकार भी सुप्रीमो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पास सुरक्षित है। इससे पहले इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का भी एक बयान जो है वॉइस मैसेज के रूप में वायरल हुआ था। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि इनसो एक स्वायत्त संस्था है जो कि सोसाइटी या रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति जो है भंग नहीं कर सकता। इसे भंग करने का अधिकार केवल कार्यकारिणी के पास है या अजय सिंह चौटाला के पास है। उसी के जवाब में अभय सिंह चौटाला ने आज कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह इनेलो से अलग है तो वह बिल्कुल गलत है, और उसे भंग करने का अधिकार इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के पास है। इसी के साथ आप सुने अभय सिंह चौटाला ने आज चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में क्या कहा, और आप देख रहे हैं विशेष संवाददाता जगशेर राणा व अखिल भाटिया के साथ। ये चंडीगढ़ जहाँ ने मेहनत करी उनको उन्होंने फिर से दोबारा तवज्जो दी, और जिन साथियों ने कभी न दी उन साथियों के अभी सिलेक्शन ईयर में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता कोई पार्टी का पदाधिकारी विशेष रूप से जो पदाधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी अगर वो ठीक ढंग से कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा तो बांध के तहत इलेक्शन ईयर में भी जाती पार्टी का नुकसान हो। इसलिए उन्होंने अपनी उन्होंने बदलाव के लिए करना। जो प्रेस नोट आया था उसके अंदर ये साफ कहा गया था कि जो स्टूडेंट विंग है और जो यूथ इनेलो है, यूथ इनेलो ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इनसो ने पार्टी के जो विरोधी गतिविधियां उसमें सम्मिलित की। दोनों हमारी जो इवेंट थी चौटाला साहब की मौजूदगी में, जहां उनकी हमने जिम्मेवारी को ये लगाया कि आप लोगों की बैठने की व्यवस्था करो, आप हमारी जो माताएं बहनें जो लेडीज आती है उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, उनके पानी का उनका और दूसरी चीज़ों का बचा रहता, जो भी कोई इस तरह की दिक्कतें होती है उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई थी कि आप बैठ करके आप वहाँ ये ड्यूटी निभाने का काम करें। हमारी पार्टी में हमेशा ये जिम्मेवारी युवा की, इनसो की तो अब की बार लगी लेकिन उससे पहले हमेशा युवा की ही ये जिम्मेवारी रही थी, और युवा ने हमेशा इस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाया था। तब की बार अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा सके, इसके लिए पार्टी की तरफ से चौटाला साहब ने, क्योंकि वो खुद मौजूद थे उस मंच पर, और उन्होंने जब देखा कि जिन बच्चों को हमने जिम्मेवारी दे रखी है वो ठीक से नहीं निभा रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसका नए सिरे से गठन करें, उसको बंद करते हैं। कौन पार्टी आप मुझे ये बताओ कौन सा राजनीतिक दल ऐसा जो अपने संगठन में बदलाव नहीं करता? हर पार्टी जो है अपने संगठन में समय समय के अनुसार जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं उनको भी एडजस्ट किया जाता है, और कुछ पुराने लोग अगर किसी ढंग से काम नहीं करते तो उनको उस पक्ष में वोट देते हैं। ये अब ये हमारी पार्टी का संगठन का जो मामला है वो हमारे पार्टी के जो चौटाला जी ने तय करना है कि किसको कौन से पद पर रख करके काम को सस्पेंड किया गया, वैसे कोई नोटिस जारी किया गया? मेरी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो हमारे टेलीविजन के माध्यम से देखी है या अखबार में देखा। डिफाई कर रहे हैं उत्तर का डिसीजन की इसको रिजॉल्व कर दो,
उसको डिफाई कर रहे हैं। इसको हमारे पार्टी के विमोह चौधरी उपकार चौटाला जी ने तय करना है कि किसको पद से पद पर रख करके काम किया। दुष्यंत जी को सस्पेंड किया गया, वैसे आपको नोटिस जारी किया गया? मेरी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं, मैंने तो हमारे टेलीविजन के माध्यम से देखी है या अखबार में देखा। इस बात को आप सब जानते हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास इस बात का इख्तियार है कि वो जिसको जिस संगठन जिम्मेवारी देंगे या जिस भी संगठन में जिस किसी को नया पदाधिकारी बना करके जिम्मेवारी दी जाएगी वही बात रहेगी। कोई डिनाई करता नहीं, इससे कोई नहीं। वो रजिस्ट्रेशन की कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अलग है, कंपनी एक्ट के तहत। आपको इस बात का पता है अच्छी तरह से कि जहाँ पे इस छोटा कार्यक्रम होता है वहाँ पे लोग जनता जिंदा होता है। आप ये वजह की बात क्यों पूछ रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है? आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलो, किसान आप मेरी बात हुए, आपको चिंता करनी चाहिए प्रदेश के किसान। आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या बहुत चिंता है। आपका जो कैंपेन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, इंशाल्लाह शायद आपकी सरकार नेक्स्ट टाइम बनेगी। बहुत मेहरबानी। हाँ, मैं इसके साथ ही एक बात, आप ये मानेंगे आपके दुष्यंत के साथ मतभेद है? हमारी पार्टी में अनुशासन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा तो 100% पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो यूथ इनेलो और जो इंसो थे, जो यूथ इनेलो और इंसो थे, ये तो मानते हैं कि बिना उनके अध्यक्ष के या बिना उनकी लीडरशिप के ऐसी जिम्मेदारी जो आप कह रहे हैं कि नहीं निभाई गई, नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, जब तक दुष्यंत को ये जिम्मेदारी नहीं थी उससे पहले भी तो हमारी यूथ इतना दुष्यंत की कौन सी कोई उनको कोई पदाधिकारी बना रखा था उसका, उनके जुम्मे ये काम था कि आप यूथ को जो है पार्टी की नीतियों के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का काम। और अब यूथ का जो प्रधान है, यूथ की विंग है, उसको डिजर्व डिस्कशन को बनाई के लिए आगे जो बनाएंगे फिर जिम्मेवारी दी जा सकती है। अब मत चिंता करो, उनको नोटिस